भाई सलमान भाईजान की जो फिल्म है उसको बॉक्स ऑफिस पे 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं यार। जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। इस मूवी ने पहले दिन बहुत ही कम ओपनिंग लेके दूसरे तीसरे दिन मैसिव जंप लिया था, और दूसरे तीसरे दिन से लोगों ने इस मूवी ने लोगों को बता दिया था कि मैं 100% सुपर डुपर हिट हो सकती हूँ। 10 दिन तक जो कलेक्शन था वो काफ़ी बढ़िया चला, लेकिन 11वें और 12वें 13वें दिन मैसिव हमको अपडेट देखने को मिल रहा है। आप लोग भी लाइव स्क्रीन्स के ऊपर देख लो इस मूवी ने 11वें 12वें 13वें दिन इंडिया से कितना कलेक्शन गया है और कौन सा ये झंडा गाड़ने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मूवी ने केवल 10 दिनों के अंदर इंडिया से 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। इंडियन जो ग्रॉस था वो 118 करोड़ था। ओवरसीज मार्केट में इस मूवी ने 10 दिनों के अंदर बाहर की कंट्री से बाहर के विदेशों में 10 दिनों के अंदर 45 करोड़ का कलेक्शन किया था, और इस मूवी ने 10 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड से इंडिया और वर्ल्ड वाइड से 163 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था। मगर माना जाए तो वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने अपना 120 करोड़ का बजट रिकवर कर लिया है, लेकिन इंडिया से अब तक इस मूवी ने अपना बजट रिकवर नहीं किया। इस वीडियो को दिल लाइक कर दो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको बढ़िया धमन होगा। गाइस अगर बात करें इस महीने सेकंड वीकेंड फ्राइडे में 2 करोड़ 10 लाख, सैटरडे को 3 करोड़ 25 लाख, संडे को 4 करोड़, 10वें दिन इस महीने 4 करोड़ का कलेक्शन किया था। 11वें दिन मंडे को इस महीने 2 करोड़ 25 लाख, और 12वें दिन इस महीने ट्यूजडे को 1 करोड़ का ही कलेक्शन किया। 30-25 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। अगर बात करें 12 दिन का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 167 करोड़ है, जिसमें ओवरसीज मार्केट वही 45 से 46 करोड़ है। इंडियन डोमेस्टिक ग्रास 123 करोड़ हो चुका है। मान लो 12 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड से इस महीने 167 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 13वें दिन का जो 12 बजे के बारे में हमको रिपोर्ट देखने को मिला था वो था गाइस 70 लाख रुपए का, और शाम तक ये मूवी कुल मिला के 1 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन करने में इंडिया सफल हो पाएगी। लगभग होने वाली एडवांस बुकिंग जो शाम को वो भी रिपोर्ट आ चुका था, और ये वर्ल्ड वाइड से 13वें दिन ये मूवी 2 करोड़ का कलेक्शन कर सकती। आई थिंक इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर ये मूवी लाइफ टाइम इंडिया से 110 करोड़ का कलेक्शन करती है तो फिर ये मूवी इंडिया से फ्लॉप रहने वाली है। अगर ये लाइफ टाइम 140 करोड़ का कलेक्शन कर लेती इंडिया से तो फिर ये मूवी एवरेज मूवी होगी। और गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये मूवी 140 करोड़ का नंबर क्रॉस कर पाएगी। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो सकता है, 120 करोड़ आई थिंक ये क्रॉस कर सकती है। अगर ये 210 करोड़ का लाइफ टाइम में कलेक्शन कर लेती तो फिर ये सुपर डुपर हिट होने का टैग अपने नाम के ऊपर ले आएगी। अब भी सलमान भाईजान के पास बॉक्स ऑफिस के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि सलमान के पास 3 ऐसी फिल्म्स हैं जिन्होंने इंडिया से 300 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि प्रभास की 3 सुपरस्टार आमिर खान की 2 और शाहरुख खान की केवल 1 के, और सलमान भाई के पास 4 ऐसी फिल्म्स हैं जिन्होंने इंडिया से 200 करोड़ का ऊपर कलेक्शन किया हुआ है। 4 ऐसी फिल्म्स, जबकि सुपरस्टार आमिर खान का भी 4, अजय देवगन की 3 है और शाहरुख खान की 2 हैं, और सलमान भाईजान के पास 16 ऐसी फिल्म्स हैं जिन्होंने इंडिया से 100 करोड़ से ऊपर कलेक्शन किया हुआ है, जिसमें अक्षय कुमार की 6 हैं, शाहरुख खान की भी 6 हैं। मान लो सलमान भाईजान अब भी सबसे आगे जा रहे हैं और टाइगर 3 के बाद सबसे ऊपर हो जाएगा। तो भाई आज के लिए इतने, आपको जो इस वीडियो अपडेट देगी वो 100% रियल थी, बॉक्स ऑफिस थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री हो तो भैया कर देना। तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।